कानों में, मल्लर गलियों में, शहरों और चौराहों में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम हैं दोहरी अज़ियत के गिरफ्तार मुसाफिर, हम हैं दोहरी अज़ियत के गिरफ्तार मुसाफिर। पांव विशल हैं और शौक के सफर भी नहीं जाता। ग्रामी कदर सामईन हाजरीन, मैंने फेसबुक पे एक स्टेटस अपलोड किया कि आप लोगों को कल 2 बजे एक खुशखबरी सुनाऊंगा, और वो खुशखबरी ये है कि जिन हुक्मरानों की गर्दन में सरिया आ चुका था, जिन्हें बहुत आकड़ थी कि हम साहेब मुक्तदरा हैं, हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता, आपको मुबारकबाद पेश करता चलूं, आपको खुशखबरी देता चलूं कि आप अवाम के इत्तेहाद ने उस गर्दन के सरिये को मरोड़ के रख दिया है। जहां लोग से मगोया करते थे, ढाबों पे बैठ के बसों के साथ लटके हुए लोग ये कहते थे कि ये जम्मू चौक से समय 2, 4, 10 या 12 लोग बैठने वाले शायद दीवाने हैं या मजनून मजलूम लोग हैं, लेकिन हमारी जो जज्ब की कैफियत है, हमारे जज्बात की जो कैफियत है, उसमें हमारी जात की अना की जंग नहीं है। वो मेरी रियासत के मजलूम, महकूम, मजबूर और उस रेड़ी बांध के हकों की जो तो चहत के जज्बात है। बात को बढ़ावा दूं तो इसको बिगाड़ पैदा करो, लेकिन लोगों सुनो, जब तक आप मजलूम, महकूम और मजबूर लोग मुत्तहिद और मुनज्जम नहीं होंगे, ये सदियों से मुत्तहिद और मुनज्जम बदमाश और जाबर टोला आपके हकूक सलब करता रहेगा। जब तक आपका इत्तेहाद बरकरार नहीं रहेगा, तो मैं मुख्तसरन 2 मिसरों में यूं कहूंगा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो फिर मरो 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 शोर मचाते क्यों हो। आपका इत्तेहाद इस बात का सामन और गवाह है कि आपने उस जालिम को दबोच के रख दिया और अपना पैगाम जली हरूफ में साहिब मुक्तदरा तक पहुंचाया कि आप अगर अवाम के मुतालिबात को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये अवाम भी इसी तरह चौकों चौराहों गलियों और मोहल्लों में तुम्हें रिजेक्ट करते रहेंगे, रिजेक्ट करते रहेंगे, रिजेक्ट करते रहेंगे। आवाज दो, के साथ हमारी मुजाकिराती कमेटी का सेशन चलता रहा, डेडलॉक भी होता रहा, आखिरकार हुकूमती कारिंदों ने इस बात को बांधते हुए कि अब ये अवामी इत्तेहाद टूटने वाला नहीं, ये पीछे हटने वाले नहीं, किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, तो उन्होंने आपके मुतालिबात को मिन ऑन एक्सेप्ट कर लिया है, और उन्होंने क्या मैं यकीन दहानी कराई है कि 2 हफ्तों में यह मुतालिबात बिल की सूरत में असेंबली में पेश होंगे और वहां से मंजूर होंगे। रियासत जम्मू कश्मीर के कोने कोने में, आजाद खिते में 200 जगह पे जारी धरने इस बात के गवाह हैं कि इस आवाम ने 75 साल जो इस्तेहसाल हुआ है उसका अजाला करना है, उसका अजाला आपके इत्तेहाद ने करना है। मुत्तहिद रहोगे, मुनज्जम रहोगे, आवाज दो, हम एक के स्लोगन में कायम रहोगे तो कोई भी दीवार आपके रास्ते में रहना नहीं डालेगी इंशाल्लाह। जरूरी था कि आप लोग मुत्तहिद और मुनज्जम हो जाएं, जरूरी था कि आप लोग
बरादरियों कबीलों और जमातों के दास जमात को बालाए ताक रखते हुए एक मजलूम मजबूर और महकूम के आवाज बनो, तो आपने वो करके दिखाया है। यहाँ बात करते लोग तवज्जो चाहूंगा, ताजरान नुमाइंदे यहाँ मौजूद, सिविल सोसाइटी तलबा के तर्जमान यहाँ मौजूद, यहाँ बात करते लोग के जनाब ये तहरीक अगर कामयाब हो जाती है तो इसका क्रेडिट कौन लेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी कामयाबी का क्रेडिट मेरे शहर के उस रेड़ी बांध को जाता है जो 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, मगर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की काल पर वो अपना कारोबार मुअत्तल करके अवामी हकूक के लिए मैदान में आ जाता है। आवाज दो, आवाज दो। इस कामयाबी का क्रेडिट मेरे उस रक्षा ड्राइवर को जाता है जो 700-800 या 1000 की दिहाड़ी लगाता है, शाम को अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन जब अवामी एक्शन कमेटी की काल होती है तो अपना रक्षा खड़ा करके आवाज दो हम एक हैं के स्लोगन पे अवामी हकूक के लिए मैदान अमल में आ जाते हैं। जहां तर्जमान ताजरान मौजूद, ये क्रेडिट ताजरान को जाता है जो एक दिहाड़ी को 1 लाख रुपए की लगाते हैं, कोई 1000 रुपए की, लेकिन छोटा कारोबार हो या बड़ा हो मेरे शहर के ताजरों ने कारोबार मुअत्तल करते हुए इस स्लोगन पे आवाज दो हमें थे मिस्ताक जम्मू चौक से समय वो मेला लगा कर दिखा दिया कि आवाज दो हमें थे, आवाज दो हमें थे। इसका क्रेडिट मेरे शहर के मजदूर को जाता है जो 1200 रुपए का दिहाड़ी लगाते हैं, लेकिन जब इज्तमाई मफादात की बात होती है तो अपनी दिहाड़ी को छोड़कर मैदान अमल में जालिमों के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाता है, ये क्रेडिट उसको जाता है। इसका क्रेडिट मेरे शहर के मजदूर मजबूर महकूम और मजलूम को जाता है, सिविल सोसाइटी को जाता है और मेरे नौजवान तालिब इलम भाई को जाता है जिसने अपनी तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल करते हुए आवाज दो हम एक हैं के स्लोगन पे जम्मू चौक से समय इहतजाज किया। इसका क्रेडिट मेरे रियासत की गयूर आवाम को जाता है, ये धरने में बैठने वाले लोग किसी क्रेडिट के हामिल नहीं है, ना ये क्रेडिट लेने के लिए बैठे हुए हैं, किसी के साथ की जंग नहीं है। सरदार गुलफराज 60 साल का बूढ़ा आदमी है, इस बंदे को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। सरदार अबू हुसैन एक मुजाहिद आदमी है, उसे किसी क्रेडिट की जरूरत नहीं है, मुजाहिद का काम होता है जिहाद करना, वो जिहाद पे है, उसे किसी क्रेडिट की जरूरत नहीं है। राजा तनवीर अगर बैठता है तो राजा तनवीर है ही मजामतकार है, इसे किसी इकतदार का शौक नहीं है, इसे एक इकतदार चाहिए, वो तेरा राज मेरा राज अवामी राज, अवामी राज। आवाज दो, आवाज दो, तेज हो भाई तेज हो, शेरू और चोराऊ में। चौधरी यूसुफ सरगर साहब अपना कारोबार छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, इन्हें सियासत का शौक नहीं है, ये आपके हकूक की जद्दोजहद करते हैं। मौली बिशारत साहब आपके सामने ताजरान नुमाइंदे खड़े हैं, इन्हें किसी भी किस्म का कोई गर्ज और लालच नहीं है, ना इस बंदे ने कोई ताजरान का इलेक्शन लड़ना है या कोई इकतदार का इलेक्शन लड़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ मजलूम की आवाज बनते हैं, खिराज तहसीन के मुस्तहिक ये लोग। और यहाँ बैठने वाला हर वो बंदा कोई जाति लालच और अना की बुनियाद पे हमारे मुतल्लिक अगर बच्चे में कोई होती है तो होने दे, हम कारकन लोग हैं, हम जालिम के खिलाफ हमेशा, हमने हर उस महफिल को रद्द किया है जहां इज्जत पाने के लिए किसी के तलवे चाटने पड़े, हमने हर उस महफिल को जूते की नोक पे रख दिया है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मजबूर मजदूर महकूम और मजलूम की जंग है, अगर बिजली फ्री होती है तो रियासत के हर शहरी को मिलेगी। मैं उन नादान लोगों को बताना चाहता हूँ जो गली मोहल्लों में ये कहते हैं कि ये एक्शन कमेटी वाले आपको वक्ते में डाल देंगे, हत्ता कि ऐसा कभी नहीं होगा, एक्शन कमेटी तब तक मैदान अमल में है जब तक आपके हकूक आपकी दहलीज पे नहीं पहुँचते। आज 132 दिन हो गए, 4.5 माह से
ये लोग जम्मू चौक से समय बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह अगर मजीद चार माह बैठना पड़ा तो लोगों आपके लिए हम बैठेंगे ये आपके सामने इस बात का याद। आवाज दो, आवाज दो। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये दरिया नहीं है, ये शऊर की फैक्ट्रियां हैं, यूनिवर्सिटियां हैं। इस दरी से ये शऊर आम हुआ है कि आपको हकूक को सलब किया जाता रहे, आप अपना हकूक लेने के लिए मैदान अमल में आए। मेरे और सरदार आबद के हिस्से में क्या आएगा? हमारे हिस्से में वो अफयार होगी जो आपके हकूक की जद्दोजहद के लिए हम पे काटी गई। कमांडर सुफियान क्या लेकर जाएगा? हम उन एफआईआर की कापियां बतौर एजाज लेकर जाएंगे। अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है, हम ये समझेंगे कि मेरे रियासत का गरीब आदमी आज सुरखरू हो गया है, आवाम सुरखरू हो गई है। आपकी ये मेहनत रंग लाई है, ये आप लोगों की मेहनत है, आपका इत्तेहाद है। किसी ने कोई क्रेडिट नहीं लेना, क्रेडिट मेरी रियासत की गरीब आवाम को जाता है जो हमेशा मुत्तहिद होती है। इंशाल्लाह ये इत्तेहाद कायम और दायम रहेगा, जारी और सारी रहेगा। अंजुमन तादरान के नुमाइंदे यहाँ मौजूद, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे मौजूद, यहाँ तलबा बरादरी मौजूद, यहाँ मजदूर यूनियन के लोग मौजूद, ड्राइवर यूनियन के लोग यहाँ मौजूद। तमाम अहबाब को खराज तहसीन, खराज अकीदत, खराज मोहब्बत पेश करता हूँ। आपका इत्तेहाद, आपका नज्म व ज़ब्त, और आप जब भी काल होती है आप लोग अपनी मसरूफियात को तर्क करते हुए अवाम के लिए मैदान अमल में आते हैं, आपको सुर्ख सलाम पेश करता हूँ, मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ। और जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी आपके हकूक की जद्दोजहद लड़ रही है, आपके हकूक के सामने है, अलम बरदार है, मुहाफिज है। इंशाल्लाह हमें, मैं भी, मेरा भी मुस्तकबिल है। जैद बकर मेरे साथी कई यूरोप में चले गए, कोई पढ़ाई के सिलसिले में गए, कोई मजदूरी के सिलसिले में गए। मैं भी जा सकता था लेकिन मैं इस जंग के लिए यहाँ रुका हूँ। क्यों? जब मैं ये सोचता हूँ मैं भी खामोश रहूंगा, मेरा भाई भी यहाँ से चला गया, मेरे दोस्त भी यहाँ से चले गए, तो जालिम को कौन कहेगा कि तुम जालिम हो? हम जालिम को ललकारने के लिए जम्मू चौक से सामने रुके हुए हैं, ललकारते हैं, ललकारते रहेंगे। जिंदा भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैदान अमल में बरसरे पैकार थे, बरसरे पैकार हैं, बरसरे पैकार रहेंगे। किया है जिनके जिगर को छलने, मिले हैं जिनको लहू के तोहफे, कुचल के रख देंगे अब तुम्हें वो। उठे हैं जो इनकलाब बनकर, उठे हैं जो इनकलाब बनकर। आखिर में मैं जली हरूफ में मुजम्मत करता हूँ भारतीय सुप्रीम कोर्ट का, जो 35 और 370 का जो एक्ट के उनने उसको भारत में जैसे के कश्मीर की आईनी हैसियत को खत्म किया जाए, मुस्तरद करते हैं, कंडेम करते हैं, उसके पुरजोर मुजम्मत करते हैं। इससे सिवा बलोचिस्तान में जो मूवमेंट चल रही है, उनके राइट्स की वो मूवमेंट है, उनके हकों को उन्हें दिया जाए उसकी हिमायत करते हैं। और जम्मू चौक सहसा से बबांग दोल ऐलानिया उनकी हिमायत का ऐलान करते हैं, केपीके के मजलूम लोगों की हम हिमायत करते हैं, गिलगित में मूवमेंट जारी है उसके साथ हम इत्तेहाद का ऐलान करते हैं, हम उनके साथ हैं। दुनिया का कोई भी मजलूम आदमी है, किसी भी मत पर फिक्र, किसी मजहब दीन किसी भी इलाके का है, किसी भी रंग और नस्ल का है, जहाँ कहीं कोई मजलूम आबाद है उस पर जुर्म होता है, हम उस मजलूम की आवाज बनने के लिए तैयार हैं, हमेशा मजलूम की आवाज बनने। हमारे साथ ताजरान के नुमाइंदे सेक्रेटरी जनरल यूसुफ जरगर साहब मौजूद हैं, मैं उनसे बोलते हुए शुक्र गुजारिश करूँगा।